एक तरफ पूरे देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है, दूसरी तरफ हरियाणा से आए बिहार कुछ कोरोना संदिग्ध जो घर जाने को परेशान। मधुबनी जिला के जयनगर अनुमंडल में आए तीन वाहन जो कि हरियाणा से आए हैं, जिस वाहन में काफी लोग बैठे हुए थे, जयनगर पुलिस प्रशासन के द्वारा उस वाहन के सवारी को जयनगर मेडिकल टीम के द्वारा जांच करवा कर छोड़ दिया गया। कार में बैठे सवारी रंजीत यादव ने बताया कि हरियाणा में खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, फिर कहां हम लोग रुकते, इस वजह से हम लोग अपने गांव किसी पिटी अवस्था में लौट गए। उन्होंने यह भी बताया कि जिस जगह हम लोग रहते हैं वहां के मकान मालिकों ने हम लोगों से मकान किराया बढ़ाने को कहा और उसी समय हमें घर से बाहर निकाल कर बोला अपने घर लौट जाओ। हम लोग काफी समस्या से खेलते हुए बिहार तक आए हैं, मेडिकल टीम ने हमें जांच भी की है परंतु कुछ नजर नहीं आया है, इसीलिए हम लोग घर जा रहे हैं। जयनगर अनुमंडल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इस सारे संदिग्ध को जांच कर नाम एड्रेस सभी लिखकर जाने दिया। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में किसी तरह का कोरोना से जांच करने की मशीन नहीं, लाइव की व्यवस्था है, बिहार सरकार ही जाने कैसे बचेगा। बिहार डॉक्टरों ने सभी को सलाह दी 1 से 2 मीटर दूरी बनाकर रखे, सैनिटाइज से हाथ धोए, भगवान हमारी मदद करे। गली कुची में भी होगा, केवल मुख्य मार्ग पर होगा, सभी चीजें करवाना है, जहाँ जहाँ जैसे को हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के आसपास हो जाना है। नहीं नहीं, और मार्केट में गली कुची जो है वहाँ भी है, सभी जगह होगा, सभी जगह होगा, कंटिन्यू चलेगा मेरा भी, यस कंटिन्यू चलेगा। ये हमारे अभी प्रशासन की तरफ से और बिल्कुल ये कि अभी कंटिन्यू चलेगा ताकि हमारे कोई भी लोग जो भी लोग हैं वो बीमार ना पड़े, स्वस्थ रहें, आइसोलेट होके रहें, और ये सब सारी बातें मेटल युक्त सामग्रियों को बेवजह छूने से परहेज करें और यदि